हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिखने का ट्रिक, वो भी बिना पढ़े बिना याद किए। इंग्लिश अगर आप सभी को लिखना और पढ़ना नहीं आता, फिर भी आप लोग हमारे इस ट्रिक से इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया लिख लेंगे और आपको 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, तभी आपको ये पूरे ट्रिक और टिप्स समझ में आएंगे। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आपके ये इंग्लिश के बोर्ड पेपर में किस तरह से आता है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, ठीक है। ये आपके क्लास 10th और 12th दोनों में आता है और बिल्कुल अनिवार्य है, यानी आपको वो करना ही है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपके क्लास 10th है उसमें 3 नंबर का आता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, गिव द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन अबाउट आपको यानी कि 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसमें से किसी एक पर आपको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे पहला है डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ पे आपको डस्ट ऑफ स्नो पे लिखना है और आपको सेंट्रल आइडिया लिखने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक से कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिले। ये रहा बोर्ड एग्जाम की कॉपी। सबसे पहले आप सभी को, ठीक है, यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यानी आप लोग जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इसमें 8वां है, तो आपको यहाँ पे, ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आपको आप जो भी सेंट्रल आइडिया को कर रहे हो, ठीक है, उसका आपको नाम लिखना है और यहाँ से आपको देख कर लिखना है। तो यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला कर रहा है, तो आपको यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो लिख देना है। बिल्कुल देखकर लिखना है सही सही, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है सेंट्रल आइडिया, ये भी आप सभी को देखकर लिखना है, ये आपके पेपर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, ब्लैक स्केच का यूज करना है। इसके बाद देखिए आपको ट्रिक से कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ट्रिक से कैसे लिखना है, और ये जो ट्रिक हम आप सभी को बता रहे हैं, एक टॉपर स्टूडेंट इसी ट्रिक से लिखते हैं, यानी सेंट्रल आइडिया लिखने का सबसे सही तरीका यही है जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, वो भी ट्रिक से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है इस तरह से, ठीक है, और इसके बाद आपको सिर्फ 2 लाइन यानी कि याद करना है। इसमें क्या है कि द पोयम, ठीक है, द पोयम आप लोग इस तरह से लिखिए। इसके बाद जिस सेंट्रल आइडिया को आप लोग लिख रहे हो, उस सेंट्रल आइडिया का यहाँ पे नाम लिखना है, और इसको लिखते समय आपको ये ध्यान देना है कि इसको ब्लैक पेन से लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको, जैसे हमने यहाँ पे कामा लगाया, इस तरह से आपको कामा लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना हैज बीन कम्पोज्ड, ठीक हैज बीन कम्पोज्ड को आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद बाई, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये डस्ट ऑफ स्नो जो है ये कौन लिखा है, ठीक है, यानी इसके कवि कौन है, इसको आपको लिख देना है। तो यहाँ पे यानी कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, इसको यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, तो यहाँ पे आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इस तरह से ब्लैक पेन से और यहाँ पे कामा लगाकर, ठीक है, जैसे हमने लिखा है उसी तरह। इसके बाद आपको यहाँ पे फुल स्टॉप देना है। इसके बाद इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब अबाउट ह्यूमन लाइफ, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ह्यूमन लाइफ लिख सकते हो या आप लोग यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी लिख सकते हो। अब देखिए हम आप सभी को इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं जिससे आपको ये और भी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यानी कि द पोयम, ठीक है, कविता डस्ट ऑफ स्नो, इसका मतलब है कि बर्फ की धूल, तो कविता बर्फ की धूल, ठीक है, के रचनाकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने की है। इस कविता में कवि ने, ठीक है, मानव जीवन के बारे में वर्णन किया है, या आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि प्राकृतिक सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। यानी आपको ये मात्र ये 2 से 3 लाइन जो छोटी छोटी है इसी को याद करना है, ठीक है। अगर आप लोग ये 3 लाइन याद कर लिए तो आप लोग इस 3 लाइन से, ठीक है, यानी जितना भी आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखना चाहोगे आप लोग लिख सकते हो मात्र इस 3 लाइन से। यहाँ पे आप लोग ह्यूमन लाइफ लिखिए या नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, दोनों में से आप लोग कोई एक लिखिए। और इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको आ जाना है अपने पेपर के, जो आपका इंग्लिश का पेपर है उसमें सेक्शन ए रीडिंग दिया हुआ है, वहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि यानी यहाँ से फर्स्ट से नहीं, आपको बी
बीच से यानी आल से उठाकर यानी एक फुल स्टाफ से उठाकर आपको यहाँ पे सक्सेस तक क्या करना है, इस पूरे लाइन को इतना लिखने के बाद आपको लिख देना है, ठीक है। यानी पूरे को इस तरह से लिख देना है, इसमें से देखकर बिल्कुल सही सही कहीं पर भी आपको कटपिट नहीं करना है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो ये आपकी कॉपी यानी कि ये पूरी पेज आपकी भर जाएगी और ये 40 से 50 वर्ड आराम से हो जाएगा। और आप लोगों का जो सेंट्रल आइडिया है, सिर्फ टीचर आपके ये 3 लाइन को देखकर ही इतना ज्यादा इम्प्रेस होगा, खुश होगा कि वो जान जाएगा कि आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट है, यानी टॉपर स्टूडेंट के लेवल के स्टूडेंट है। और ये 3 लाइन को ही देखकर वो आपको पूरे के पूरे जितना नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आता है पूरे के पूरे नंबर दे देगा, क्योंकि सिर्फ टीचर आपके ये जो आप लोग ब्लैक पेन से लिखे हो ना, सिर्फ इसको और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसी को देखेगा, बाकी वो इतनी बड़ी सेंट्रल आइडिया को कभी भी नहीं पढ़ता। तो इसलिए आप सभी लोग, ठीक है, मात्र इस 3 लाइन को याद कर लीजिए, आप लोग करोड़ों सेंट्रल आइडिया को मात्र इस 3 लाइन से लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इतना जरूर याद कर लीजिए, अगर आप लोग इस तरह से लिखते हो तो 100% गारंटी कि टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर खुश होकर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोग क्लास 10th और 12th जरूर आप लोग इस तरह से, अगर आपको नहीं याद है इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया तो इस ट्रिक से लिखिए, ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर आपको इंग्लिश की पूरे जितने भी पेपर में आपके टॉपिक आते हैं पूरे में पास होने की ट्रिक की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे आप लोग देख सकते हो, या इस वीडियो के लास्ट में भी आपको दिखाया जाएगा, वहां से भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। और आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है, आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।